यशोधरा नगर के वनदेवी चौक के पास दोपहिया पर सवार हमलावरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। गुरुवार की दोपहर 4:15 पर हुई इस वारदात से परिसर में दहशत फैल गई। जख्मी कट मारने को लेकर मामूली विवाद होने का बता रहा है, लेकिन पड़ताल से हमलावर हत्या के इरादे से आने का संदेह है। पुलिस ने देर रात दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जख्मी कलमना निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद सोहेल मोहम्मद शकील है। सोहेल डेकोरेशन का काम करता है। वह दोपहर 4:15 पर एक्टिवा पर सवार होकर ईट भट्टी चौक से वनदेवी चौक की दिशा में जा रहा था। इसी दौरान दोपहिया पर सवार दो युवक उसके पास से गुजरे। उन्होंने सोहेल की एक्टिवा को कट मार दी। सोहेल की आरोपियों से मामूली कहासुनी हुई। इसी दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से सोहेल को गोद डाला। उन्होंने सोहेल के पेट और पसली पर वार किए। उनका इरादा सोहेल की हत्या करने का ही था। सोहेल जमीन पर गिर पड़ा। सोहेल की अवस्था देखकर हमलावरों को उसके दम तोड़ने का एहसास हुआ। वह मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े वारदात होने से परिसर में खलबली मच गई, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए तत्परता नहीं दिखाई। कुछ देर बाद लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने सोहेल को ई रिक्शा से निजी अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर उसे मेयो अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच घटना का पता चलने पर यशोधरा पुलिस मौके पर पहुंची। संदेह है कि आरोपी सोहेल का पीछा कर रहे थे। वह हत्या के इरादे से ही आए थे। पुलिस थाने यशोधरा नगर मध्ये काल 17 आपल्याला माहिती मिळाली, फोनद्वारे माहिती मिळाली की संतोष नगर झोपडपट्टी गल्ली क्रमांक 38 जवळ एका व्यक्ती चाकूने बसकले आहे। तशा माहितीवरून आम्ही तत्काळ घटनास्थळी पोहोचलो। घटनास्थळी जखमी हा लखपत अवस्थेत पडला होता, तर त्यास आम्ही मेडिकल खाजगी वाहनाने मे हॉस्पिटल येथे दाखल केले आहेत। तसे थोडक्यात माहिती घेतली असता अशी माहिती पडली की त्याला दोन इसम त्यांचे नाव आहे, शोएब अन्सारी, सफर अन्सारी व सय्यद इर्शाद सय्यद इजाज, राहणार वनदेवी नगर पोलीस ठाणे यशोधरा नगर हद्दीतले आहे। त्यांनी प्रेम प्रकरणावरून चाकू भोसकले आहे अशी प्राथमिक स्वरूपात माहिती मिळाली आपल्याला। तसेच जखमीच्या भावाच्या बयानावरून पोलीस ठाणे यशोधरा नगर येथे कलम 307 भादवी यांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर यशोधरा पुलिस ने देर रात दो लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी होने से पुलिस जानकारी देने से बच रही थी। चर्चा है कि सोहेल का दो दिन पहले विवाद हुआ था। सोहेल की हालत नाजुक बताई जा रही है। 5 की रात यशोधरा में ही रोहन उर्फ बंटी राम टेकी ने शराब पीने के दौरान हुए विवाद में अपने साथी राकेश पटेल की हत्या कर दी थी। यशोधरा पुलिस हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर देर रात तक जाँच में जुटी हुई थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।